फ्रेंड्स, पीके रियल एस्टेट पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एमएस वर्ड में बहुत ही शानदार टॉपिक बताने वाला हूं आपको कि हम एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इक्वेशन यानी समीकरण का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। हमें किस कई प्रकार से मैथमेटिक्स के जो इक्वेशन है वो कई बार टाइप करने पड़ते हैं कोई पेपर बनाने के लिए, ये बहुत सी क्रियाओं में हम ये इक्वेशन काम में लेने होते हैं। तो हम एमएस वर्ड में बहुत ही आसानी से ये सब समीकरण, जितने भी जटिल से जटिल समीकरण है, मैट्रिक्स वगैरह और अपने इंटीग्रल डेरिवेटिव जितने भी हमारे पास समीकरण होंगे मैथमेटिक्स के, वो सभी हम बहुत ही आसानी से किस प्रकार से लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमारे पास इंसर्ट टेप के अंदर, यहाँ आप देखो इंसर्ट टेप के अंदर यहाँ सिम्बल्स नाम का जो लास्ट में ग्रुप है, इसमें आप सबसे पहले देखो इक्वेशन, यहाँ ये इक्वेशन है, इस पर हम क्लिक करके और कोई भी इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। या आप देख सकते हो टाइप इक्वेशन हेयर है, यहाँ हम जो भी इक्वेशन टाइप करना चाहिए वहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बिल्ट इन जो इक्वेशन है वो भी है हमारे पास, पहले से है, प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है। यहाँ हम क्लिक करेंगे इक्वेशन पे तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन आ गई। यदि हमें इनका प्रयोग करना है तो हम इनका प्रयोग त्वरित गति से कर सकते हैं। ये बेसिक जो मैथ के फॉर्मूले हैं आप देख सकते हो, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है, बायनोमियल थ्योरम ही देख सकते हो आप, एक्सपेंशन ऑफ सम है ना, इस प्रकार से सीरीज है और बहुत सारी, ये आप सूत्र देख सकते हो। जी मान लो इसका हम प्रयोग करना चाहिए, उसमें हम क्लिक करेंगे, जो ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इक्वेशन है वो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे और यहाँ आ चुका है। तो बहुत ही आसानी से हम ये, हमें कुछ करना नहीं पड़ा और आसानी से ये हमने लिख दिया है। फिर हम एंटर लगाते हैं और फिर से आपको बता दूँ इंसर्ट के अंदर ये इक्वेशन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं या फिर ये जो है इस पर हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से प्री डिफाइंड है बहुत सारे इक्वेशन और हम यहाँ खुद के इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो हमें खुद का इक्वेशन बनाना है तो हमें करना क्या होगा, ये आप देख सकते हो बहुत सारे सिम्बल्स दिए हुए हैं, ये सिम्बल्स का प्रयोग करके जितने भी सिम्बल्स हैं ये आप देख सकते हो, यहाँ से पूरी लिस्ट ये खुल रही है, ये मैथ के जितने भी सिम्बल्स हैं इन सब का प्रयोग हम अपने इसमें कर सकते हैं। अब जैसे हमें कोई, ये आप देख सकते हो आगे स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे हमारे पास फंक्शन और कोई सिंबल्स वगैरह सब यहाँ मिलेंगे। ये आप देख सकते हो सबसे पहले फ्रैक्शन है, यदि हम फ्रैक्शन लिखना है तो यहाँ हम ले सकते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न हमें लिखनी है जैसे मैंने लिखा 3/5, ये हमने लिख चुका है 3/5, आप देख सकते हो 3/5 लिखा जा चुका है। लाल मिर्च की साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो आसानी से इंसर्ट टेप के अंदर ये इक्वेशन है और यहाँ हम खुद का ड्रा कर सकते हैं। या फ्रैक्शन में आप देख सकते हो जिस भी प्रकार से हम लिखना चाहें वैसा हम यहाँ लिख सकते हैं, या कॉमन फ्रैक्शन में दिया है जैसे डेरिवेटिव्स के लिए dy/dx, ये आप देखो मैंने टाइप कर दिया, इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, बीच में हम कोई प्लस माइनस लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं हमने, जिसमें मैंने प्लस लगाया, फिर यहाँ आप देख सकते हो जो भी हम जिसका जैसे π/2 ये लगा दिया मैंने, है ना, फिर दोबारा मैंने प्लस लगाया। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो ये सुपर स्क्रिप्ट वाले भी हैं, सब स्क्रिप्ट भी है, दोनों है। या आप देख सकते हो कि इसकी स्क्वायर करना हो, जी मान लो मुझे यहाँ अक्स का स्क्वायर करना है, मैं हमें आसानी से अक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकता हूँ। तो आपने देखा मैंने आसानी से अक्स स्क्वायर लिख दिया है, यानी यहाँ से मैं इसका स्ट्रक्चर ले लूँगा, मैं जो भी स्ट्रक्चर मुझे काम में लेना है, सुपर स्क्रिप्ट वाला है, सब स्क्रिप्ट वाला, या इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में यदि हमें लिखनी हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें देख सकते हो आप अंडर रूट्स वगैरह ये सब देख सकते हो आप, और इंटीग्रल के यहाँ सारे हैं, समाकलन के सारे चिन्ह हैं, यहाँ अवकलन के हैं, विभिन्न प्रकार के लार्ज ऑपरेटर्स हैं, ये सम्स के, प्रोडक्ट्स के, को प्रोडक्ट्स के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन और भी लार्ज जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वेक्टर वगैरह सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। जितने भी मैथ्स के एडवांस मैथ के भी जितने फॉर्मूले हैं वो सभी आप यहाँ से देख सकते हो, विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स हैं, है ना, ये सारे मंजिले ब्रैकेट्स वगैरह जितने भी सेपरेटर्स हैं वो सब आपको उसमें यहाँ मिल जाएंगे, गैप वगैरह सब यहाँ मिलेंगे। फंक्शन है साइन कोस टेन कोस, जैसा इन्वर्स फंक्शन है इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसेंस में जितने भी कैप वगैरह है या आपके साइन है, बॉक्स फॉर्मूला है, सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। लिमिट्स लॉ के जितने भी है ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम सब। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर हैं, बेसिक ऑपरेटर आप देख सकते हो मैथ्स के,
एरो वगैरह साइन वगैरह फिजिक्स में जो काम आते हैं वो सभी। और ये मैट्रिक्स की आप देख सकते हो 3x3, 3x2, 2x2, ये आप जितने भी आए वेक्टर के रूप में वो भी हमें मिल जाएगी। डॉट्स वगैरह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स वाली मैट्रिक्स है, तो हम सबको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया बहुत सारी सिंबल्स है, यहाँ आप देख रहे हो बेसिक मैथ्स है। यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ बेसिक मैथ के अलावा हम ग्रीक लेटर्स भी ले सकते हैं। अब ग्रीक में हम अल्फा बीटा गामा जितने भी साइंस है थीटा बीटा ये सब हम यहाँ से ले सकते हैं। अपर केस में भी ले सकते हैं, लोअर केस में ले सकते हैं। इसके अलावा ये लेटर है लाइक सिंबल्स है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो ऑपरेटर्स है, जितने भी ऑपरेटर्स आप देख सकते हो, कॉमन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल नॉट इक्वल है ना। और ये अपने जितने भी ऑपरेटर्स है सिग्मा फंक्शन वगैरह जितने भी एडवांस बाइनरी ऑपरेटर्स है, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं हमारी, ये सभी हमारे पास मौजूद है। एरोज़ है, विभिन्न प्रकार के एरोज़ ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करोगे तो उसी प्रकार के ऑपरेटर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। स्क्रिप्ट्स लेंगे तो स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के जो अक्सर हैं वो हमें दिखाई देंगे। और ये ज्योमेट्री आप देख सकते हो, ये ज्योमेट्री भी हमारे पास उपलब्ध है। फिलहाल ही बेसिक मैथ में क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसकी साइड से बहुत ही आसानी से अपने मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब आप भी जटिल से जटिल इक्वेशंस को एमएस वर्ड में आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसी में एक और बता देता हूँ, ये सिंबल्स इंसर्ट टैब के अंदर ये सिंबल्स आता है, यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। और मोर सिंबल्स में यहाँ क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट भी है Alt+IS, यानी Alt दबाने के बाद I दबाने के बाद और S दबाएंगे तो ये सिंबल्स वाला जो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हमें मिल जाते हैं, हिंदी टाइपिंग के, इंग्लिश टाइपिंग के, सभी प्रकार के ब्रैकेट्स वगैरह। यहाँ से जो हमें कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं है वो हम यहाँ से सिंबल्स के रूप में इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट बदल के और हिंदी इंग्लिश सभी प्रकार के सिंबल्स हम आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।